हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो हम करने जा रहे चार प्लेट मिसल पॉटिंग चैलेंज। फ्रेंड्स, इसमें झणझणी बोलना भूल गई। फ्रेंड्स, झणझणी मिसल पाव बोलने के लिए हो ना मेरे पास महाराष्ट्र में है यार। झणझणी वर्ड अगर यूज नहीं किया ना मिसल पाव के लिए बेकार है, तीखट। फ्रेंड्स, इसने एकदम स्पाइसी मस्त तीखा बनाया हुआ। थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया है, बहुत अच्छा लगा। टेस्टी बनाई हूं एक्चुअली में, बहुत टेस्टी बनाई है। तो क्रेडिट गोज टू हर। और ये सब भी जब आ जाएगा आइटम तो और टेस्टी हो जाएगा। ये सब मतलब इसमें जब ये गाठिया कांदा नींबू खट्टा खट्टा निकल जाएगा तो और ज्यादा मजा आएगा। एक बाइट और तोड़ेंगी, वाखा के दिखाऊं। खाके तो तुम दिखाओ, अभी डिस्क्वालीफाई करके सीधा फ्रेंड्स पनिशमेंट राउंड स्टार्ट कर दूंगा। और फ्रेंड्स, मजे की बात यह, पनिशमेंट में इसको मिसल ही खाना है। इसको नहीं, जो आएगा उसको मिसल खाना है। मतलब तुम्हें तुम्हें ही खाना है ना। पाव है मिसल पाव, किचन की दुकान चल रही है। फ्रेंड, मिसल पाव ये, इसको लगता है मुझे हरा पाएगी। तुम्हें लग रहा है हरा पाओगी? देखते हैं, सुबह से भूखी बैठी हूँ। मैं भी भूखा शेर की तरह फ्रेंड्स बैठा हूँ कि कब मिले और फटाफट खाना स्टार्ट कर दूँ। और इतना अच्छा आने के बाद तो है मतलब, क्योंकि और भी अभी मुझे खाना है। मैं बोला पहले इतना फटाफट खा के इसको हराता हूँ, फिर देखूंगा आगे का पार्ट। चलो फ्रेंड्स, मैं 100% श्योर आपको भी मिसल पाव पसंद रहेगा। yes. पसंद है तभी आप लोग ये वीडियो भी देख रहे हो, और वो एकदम अच्छे से। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम लोगों को भी पता चले आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। अरे ये इसने बहुत पते की बात बोल दी है। अभी मैं पहले कंडीशन बता देता हूँ। हम लोग है ना, पहले ये इसको तुम मिलाना चाहो बाद में मिला सकती, मैं अभी मिला ले रहा हूँ। नहीं नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा ना इसके ऊपर ये अपना खुद से फैसला ले सकती है। हाँ। तुम चाहो तो बाद में मिला सकती हो, मेरा कॉपी मत करो। इसके लिए इनका हक नहीं चाहिए। नहीं। हक नहीं मतलब परमिशन। मेरा परमिशन नहीं लोगी चल जाएगा। किस चीज़ में कुछ ज्यादा ही खट्टा नहीं लग रहा नींबू? अरे कितना रस है ये सोचो नींबू में। ये तो है, ठंडी है ना, एकदम मस्त। गर्मी में नींबू में पूरा जैसे सूखा सूखा हो जाता है, रस ही नहीं निकलता नींबू में। यस, ये आ गया हमारा। देखो कितना टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोगों को मुंह में पानी आता होगा। अरे फ्रेंड्स, वी 100% श्योर मुंह में आपको भी पानी आ गया रहेगा देख के। तो आज आप लोग भी बनवा के खाइए। फ्रेंड्स, इसने ना थोड़ा रस्सा निकाला था, मैं बोला रस्सा रखो बाद में, अभी बैठ के मैं और फुर्सत में खाऊंगा थोड़ा। ये दो प्लेट में मेरा क्या होने वाला है, वो तो दो प्लेट शायद इसके लिए सफिशिएंट हो जाए। मेरे लिए बाहर घूमने जाते हैं तो इसका नाश्ता भी कर लेते हैं। अरे तुम्हें क्या पता फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि ये नाश्ता भी होता है मॉर्निंग का। लेकिन जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है, जिनको महाराष्ट्र का फूड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, वड़ा पाव, मिसल पाव, उसल पाव महाराष्ट्र का ट्रेडमार्क डिश है और सवेरे का नाश्ता तो बनता ही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ऑन द काउंट ऑफ थ्री हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, टूट पड़ो। Thank you.
आराम से खाओ तुम। मुझे लगता है उनकी सारी बात मैं मानती ही हूँ। मेरा मुका खत्म है। फ्रेंड्स मजा आ गया। कैसे जीतते हैं? अरे जब मैंने इसको पानी से निकलते हुए देखा ना, तब थोड़े टाइम के लिए मुझे लगा कि शायद मैं हार रहा हूँ। आज मुझे पता चला पानी का सहारा तुम क्यों लेती हो। ऐसी बात नहीं है, पाव अटक रहा था तब मैं पानी का सहारा लेती हूँ, नहीं तो पानी आज भी मेरा आधा ग्लास बचा। अरे जब तुम बिरयानी भी खाती हो तो भी पानी का सहारा लेती हो जीतने के लिए। फ्रेंड्स लायर नंबर वन है। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं इतना अच्छा हस्बैंड हूँ ना, मैं इसको पनिशमेंट में मिसल ही खिलाने वाला हूँ। फ्रेंड्स बोलते फनी प्राची के पनिशमेंट राउंड में। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने वचन दिया था इसे कि मैं इसको पनिशमेंट में मिसल ही खिलाऊंगा, बताओ अब इससे अच्छा नहीं। डिसाइड हम लोग का हुआ था कि जोहारे को मिसल खाएगा, ये वचन मुझे देने चले हैं। फिर भी मतलब इतना अच्छा हस्बैंड हूँ तुम्हें, मैं मिसल और पाव दे रहा हूँ खाने के लिए। अरे ये हाथ तो ऊपर आ गया ऑटोमेटिकली। फ्रेंड्स ये चीटिंग करती है, ये अगर नहीं खींची रहती ना तो थोड़ा और सस्पेंस बना था। फ्रेंड्स ये है नेस्कैफे का कॉफी पाउडर, इनका जीवन साथी हो गया मेरे बाद इन्हीं से काम पर है। फ्रेंड्स बोलती है ये आपका जीवन साथी है मेरे बाद, ये आपका जीवन साथी है। बार ले चुके हैं कि इसका टेस्ट स्वाद क्या कैसा सब कुछ इनको पता होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब सबको पता ही है कि मैंने कितनी बार इसका पनिशमेंट लिया, तो ये चिढ़ा रही थी कि बोलती है ये आपका जीवन साथी है मेरे बाद। और मुझे पहली बार पसंद है सच्ची, आज भी यही खाते ये, लेकिन पता नहीं। फ्रेंड्स आज भी यही डिसाइड हुआ था कि यही मिलेगा, लेकिन इसको लग रहा था कि शायद मैं हारूं, मतलब मैं हारूंगा। मैं ज्यादा खुश होती, ये सोच रही थी कि मैं हारूंगा वापस से। तुम बस करने के चक्कर में डाल नहीं, थोड़ा सा डाला था, अभी रुको बस करो यार। ज्यादा ही गिर गया, रुको रुको रुको, ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा गिर गया। पहले तुमने मेरी बात खत्म नहीं होने दी। इसको लगा था कि मैं हारूंगा, इसने जानबूझ के कॉफी का पाउडर निकाल के रखा था कि तुम हारोगे, तुम्हें मिसल में पाव डाल के, सॉरी मिसल में ये कॉफी का पाउडर डाल के दिया जाएगा विद पाव खाने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मैं अच्छा वचन देते हैं ना, बोले मैं इसको वचन देता मिसल दूंगा खाने के लिए, मिलाए क्या, इनका वचन झूठा हुआ। फ्रेंड्स मैंने मिसल दिया था, अब उसमें मैंने ये नहीं बोला था सिर्फ मिसल दूंगा, मैंने तो ये भी नहीं बोला था कि पाव भी दूंगा, दे रहा हूँ ना पाव खाने के लिए। फ्रेंड्स लेकिन एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते हमारा बात हुआ था कि एक अखा पाव खाना रहेगा, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इसने बहुत ही भगवान का पूजा की है जिसको ऐसा हस्बैंड मिला, इसके लिए मैं संतोष तिवारी इसको सिर्फ आधा पाव दूंगा खाने के लिए। तुमने याद है मुझे पूरा मिर्ची खिलाया था जालिम औरत, मैं इसको फ्रेंड्स सिर्फ आधा पाव दे रहा हूँ। खा लूंगी तब बोलूंगी, अभी पहले बोलूंगी तो फंस जाऊंगी। अच्छे से मैं तोड़ भी नहीं पाया शायद, ये लो ये आधा पाव है खाओ इसको। फ्रेंड्स लेकिन इसको मिसल पूरा खत्म करना है। पाव नहीं खत्म करूंगी, चलो मिसल पूरा खत्म करना है। मिसल तुम्हें और गंदा लगेगा तो ही ना। फ्रेंड्स इसको अब जाके समझ में आ रहेगा, पता नहीं समझी कि नहीं, अगर मैं पूरा पाव दे देता ना तो इसको कॉफी का टेस्ट नहीं आता, इसके लिए आधे पाव दिया ताकि बाकी का मिसल ऐसे ही खाए। ये कड़वा लगता रहेगा ना। उनका पनिशमेंट आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। नहीं नहीं फ्रेंड्स एक और मेरा शिकायत है, हमेशा ना जो भी कमेंट्स आते हैं या जो लोग मिलते हैं ना बोलते हैं
जब मैं पनिशमेंट लेता हूँ, मतलब मैं संतोष तिवारी जब पनिशमेंट लेता है तो अच्छा आता है व्यूज, मतलब व्यू सॉरी व्यूअर्स को अच्छा लगता है। बट मेरी क्या दुश्मनी है लोगों से मुझे नहीं पता। कभी ऐसा है मुझे जब प्राची पनिशमेंट लेती है तो अच्छा लगता है, खत्म। हमारे सब फैन हैं। फ्रेंड्स फैन का तो नहीं पता, लेकिन इसने अच्छा इतना अच्छा रिलेशन बना के रखा ना सब लोगों से, आंटी मम्मी जी, मतलब मिठास ऐसा जवान से टपकते रहता है। इसके लिए लोग बोलते हैं बेटा तुम पनिशमेंट ले लिया करो। जैसे खड़ूस आदमी को मैं सीधा कर दी तो आंटी अंकल तो मेरे अपने हैं। और मैं पराया, देखो ये है औरत, ये है जालिम औरत। चलो फटाफट इसको खत्म करो। एक बात बोलूं, अब मुझे आता देते भगवान कसम, अगर मैं जीती होती ना आपको पूरा खिलाती। पता है तुम जालिम हो, ये फ्रेंड्स मुझे पूरा खिलाती और कॉफी पाउडर और डालती है। तुम्हें तो कॉफी बहुत पसंद है। खुश हो जा, बहुत गंदा लग रहा है। खुश हो जा तुम। बहुत ज्यादा खुश हूँ। फ्रेंड्स कभी आप भी ना थोड़े से मिसल में कॉफी पाउडर डाल के ट्राई करो, टेस्ट करो, बताओ हमें कैसा लगा। कभी मत खाना, उल्टी कर दोगे सच में। ये इतना खुशी झगड़ा के बाद ना सोचते रहता है, झगड़ा किया ना वीडियो में, हारने तो दो हारने तो दो, तो आज मैं दूंगी इनको, बताती हूँ। फ्रेंड्स आई एम सो श्योर वीडियो जरूर पसंद आएगी। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में इसी फनी एंटरटेनिंग वीडियो के साथ, लव यू, बाय।